हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप एक फोन पर तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, यानी तीन अलग व्हाट्सएप अकाउंट को यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने मोबाइल पे चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल पे, यहाँ पे एक साथ आप देख सकते हो तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। मैंने अपनी मोबाइल सेटिंग की मदद से यहाँ पे तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं यूज किया है। तो दोस्तों, एक फ़ोन में तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर है उसमें चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है इसमें हमें सर्च कर देना है कि व्हाट्सएप। तो यहाँ पे देखिए, मेरे मोबाइल पे ये जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ये डाउनलोडेड है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई विश कि आप लोग भी सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप नहीं यूज़ करते तो इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन के लिए आपको सर्च कर देना है कि यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप बिजनेस पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको और एक एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पे, जो व्हाट्सएप की जेन्युइन एप्लीकेशन ही है। तो यहाँ पे इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जो कि मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपको क्या करना है, पहले प्ले स्टोर पे जाके व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप बिजनेस करके जो एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर लेना है। देन आपके मोबाइल पे दो अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो जाएंगे। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही बैक चला जाऊंगा, तो बैक जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरे मोबाइल पे आप दो अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए, एक व्हाट्सएप बिजनेस है, दूसरा जो व्हाट्सएप जेन्युइन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन वो है। टोटल दो अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। तो आप देखिए, आप तीसरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अपने मोबाइल के जो सेटिंग्स है उसमें जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने सेटिंग पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने अपना जो सेटिंग्स है इसमें आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, अपर राइट कॉर्नर पे एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो सर्च ऑप्शन है इसमें हमें सर्च कर देना है ड्यूअल मैसेंजर। तो देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ड्यूअल मैसेंजर। तो ड्यूअल मैसेंजर सर्च कर देना है। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है इसलिए मैंने सर्च किया ड्यूअल मैसेंजर। और अगर आपके पास कोई और मोबाइल है, जैसे कि सोचिए अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है, तो आपको ऐसी जगह पे यानी सर्च ऑप्शन पे सर्च करना है ऐप क्लोनर करके, APPCLONER ऐप क्लोनर करके सर्च करना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ ऑप्शन अलग अलग होंगे। और आप अगर वन प्लस फ़ोन यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल पे ये जो ऑप्शन है ये डुअल मैसेंजर के बदले में आपको मिलेगा पैरेलल एप्स करके ऑप्शन मिलेगा। आपको सर्च कर देना है पैरेलल एप्स। तो ऐसे करके अगर कोई रेडमी MI या फिर पोको का मोबाइल यूज़ करता है तो उसको सर्च करना पड़ेगा डुअल एप्स करके। मैंने सर्च किया डुअल मैसेंजर क्योंकि मेरा सैमसंग का डिवाइस है। आपके पास अगर वन प्लस की मोबाइल है तो आपको सर्च कर देना पड़ेगा पैरेलल एप्स करके। रेडमी का अगर मोबाइल है या फिर MI पोको का मोबाइल है तो आपको सर्च करना पड़ेगा डुअल एप्स करके, तब आपको वो जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास वीवो का मोबाइल है तो आपको सर्च करना पड़ेगा ऐप क्लोन करके। आपके पास अगर वीवो का मोबाइल है तो आपको सर्च करना है ऐप क्लोन, नॉट की डुअल मैसेंजर। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग नाम से है लेकिन फंक्शन एक ही है। तो और आपके पास अगर ओप्पो का कोई मोबाइल है तो आपको सर्च करना है ऐप क्लोनर। याद रखिए, वीवो यूज़र यूज़ कीजिएगा ऐप क्लोन, और जो ओप्पो यूज़र है उनको लिखना है ऐप क्लोनर। और उसके अलावा अगर आपके पास टेक्नो का मोबाइल है तो आपको यहाँ पे सर्च कर देना है ऐप ट्विन करके, या फिर आपके पास ऑनर मोबाइल है जो कि ऑनर कंपनी का होता है, हुआए कंपनी का जो मोबाइल है उनको आपको सर्च करना है ऐप ट्विन करके। और जिनके पास इन्फिनिक्स का कोई सेट है उनको सर्च करना है एक्स क्लोन, यानी एक्स लिखना है साथ में CLONE लिख देना है, यानी एक साथ में होना चाहिए, तभी आपको मैं जो आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा सेम वही तरह के स्टेप्स आपको मिलेंगे। तो आगे की जो स्टेप्स होंगे वो मेरे तरह ही होगा, मतलब मेरे मोबाइल पे जैसे होगा आपके मोबाइल पे सेम ही होगा, लेकिन ये जो सर्च करने के ऑप्शन है ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे डुअल मैसेंजर पे यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जो फिर से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिख रहा है।
तो व्हाट्सएप के पास में जो बटन है इसमें हमें सिंपली क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो आपके मोबाइल पे भी आप अलग अलग नाम से जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर आपको ऐसे ही ऐप्स मिल जाएंगे, उसके पास जो बटन होगा आपको सिंपली उसे क्लिक करके ऑन कर लेना है यानी एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे और एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। तो अब देखिए मेरे मोबाइल पे तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल पे आप ये देख सकते हो। अब देखिए मेरे मोबाइल पे तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे देखिए जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये एक्टिवेटेड है। दूसरा जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन आया है इसमें भी मैं एक फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट करके इसे और एक अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके। तीसरे नंबर पे जो व्हाट्सएप बिजनेस है इसको भी मैं व्हाट्सएप की तरह यानी व्हाट्सएप जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी यहाँ पे देखिए एग्री टू एंड कंटिन्यू, इसमें भी एक नंबर ऐड करके इसे भी यूज़ कर सकते हो। यानी आप इस प्रोसेस की मदद से एक फ़ोन में तीन अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और तीन अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हो पाया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में मदद कीजिएगा।